सूर के सन्मुख रन ते घर पे शनि के साए पांडे शनि के साए पांडे अब तो जरे मरे सिद्ध पाई जम्मू कश्मीर के पुंछ सैक्टर च अतवादियों ने मुकाबले दौरान अपने चार साथियों समेत शहादत का जाम पीने वाले फौज के 16 राष्ट्रीय फाइल के 11 सिख पिंड चट्ठा के शहीद नायक मनदीप सिंह के घर अज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे। मुख्यमंत्री चन्नी ने शहीद मनदीप सिंह के भोग में शामिल होकर उन्होंने परिवार से मुलाकात की, दुख भी वंडाया। शहीद मनदीप सिंह के भोग में शामिल होने के बाद पत्रकारों से गलबात करते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि शहीद मनदीप सिंह की याद में उन्होंने पिंड चट्ठा विखे एक फुटबॉल स्टेडियम बनाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि शहीद मनदीप सिंह की याद में करना पिंड में यादगारी गेट भी बनाया जाएगा। गेट बनाने की राशि आज ही पिंड की पंचायत को दे दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमेशा शहीदों के अगे सिर झुकाते हैं क्योंकि शहीद देश का सरमाया होते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शहीद के परिवार नाल हर तरह नाल खड़ी है। इस मौके मनदीप सिंह के परिवारक मैंबरों ने कहा है कि उन्होंने मान है कि मनदीप सिंह ने देश लिए शहादत दी है। अज असी शहीद नायक मनदीप सिंह बाजवा जी जेडे पिछले दिनों के जम्मू कश्मीर शहीद हो गए है उन्होंने घर विखे उन्होंने जिहड़ी भोग दियां अंतिम अरदास दियां रस्में उन्हां भी शामिल होने लई मेरे नाल विधानसभा के स्पीकर साहब राणा के पी जी ते इस हल्के दे MLA ते पंजाब दे वजीर सरदार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी ऐसी परिवार दे नाल उन्हां दे नाल बैठ के परिवार का दुख मनाउण वास्ते आए। बहुत बड़ा दुख परिवार नूं पिया है। अजे एक बच्चा 4 साल का है ते एक बच्चा बिल्कुल 40 दिनों का है। सो ये जड़ी कुर्बानी इस शहीद ने कीती है इनू बड़े लंबे समय तक याद रखा जाएगा ते पंजाब सरकार शहीद परिवार दे नाल खड़ी है। परिवार नू हालांकि असी उस दलेर नौजवान नू मोड़ के नहीं लिया सकते लेकिन परिवार उन्हां दी जड़ी वाइफ है उस कुड़ी बड़ी अजे छोटी उम्र विच है उसनू सरकार वालों नौकरी दिती जाएगी। परिवार को 50 लाख रुपए की मदद दिती जाएगी। एक उन्होंने माता जी ने मैं दसिया कि बहुत ही अच्छे फुटबॉल के प्लेयर से वो स्टेडियम बनाना चाहते हैं। फुटबॉल का स्टेडियम इस पिंड दे विच शहीद मनदीप सिंह बाजवा जी के नाम से असी बनावांगे। इस तो अलावा इत्थे एक उन्होंने नाम से शहीदी गेट बनाया जाएगा ते 10 लाख रुपया असी उस शहीद की गेट वास्ते मंजूर कर दिता है। अज इत्थे दी पंचायत नूं दवांगे वो बनाउणगे। इस तों अलावा स्टेडियम भी उन्हां दी याद दे विच बनाया जाएगा क्योंकि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जिहड़ा फौज च भर्ती हुंदा है वो अपनी जान तली ते रख के भर्ती हुंदा है। ईमानदारी दे नाल नौकरी करन वाला योग जज्बे वाला नौजवान ही फौज में जाता है। मैं समूह फौजियों की कदर करदा उन्होंने नमन करदा कि वो जिस तरीके दे नाल साडे देश की एकता अखंडता रखने वास्ते देश की आज़ादी बाहर रखने वास्ते सरहदा ते लड़ रहे उस लई मेरा उन्होंने नमन है नमस्कार है सलूट है। और हमेशा असी अपने उन्होंने फौजी जेडे साडे उत्ते साडी हिफाजत कर रहे देश की एकता अखंडता कायम रख रहे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ
हर वेले साथ साथ नाल खड़े ने दुख की घड़ी भी साढ़े सांझे हुए मंत्री साहब परिवार ने हौसला अफजाई उन्होंने दुख साझा कर आए ही वो मतलब अपने बच्चों के बारे कह के गए हैं कि उन्होंने नाल खड़े हैं बाकी जी पेंड ਡਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੇਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟੀ ਉਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤਮੱਲੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ਕ ਰਾਜ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।